यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 56। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 56। यहोवा यो कहता है कि न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होने पर है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचा रहता और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है, और जो जो परदेशी यहोवा से मिले हुए हो वे न कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहे कि हम तो सूखे वृक्ष है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं, उसके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, वरन मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी मिट न पाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठे करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनसे मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब जंतुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं और वे सबके सब अज्ञानी हैं। वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं जो भूख नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटने वाले हैं और ऊँघना चाहते हैं। वे तो मर भूखे कुत्ते हैं जो तृप्त कभी नहीं होते, और ये ही चरवाहे हैं, उनमें समझ की शक्ति नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं कि आओ हम दाख मधु ले आए और मदिरा पीकर छक जाए, कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहाना होगा।